क्लास। हाँ जी, हम पढ़ रहे थे हुकूक अल बाग। ठीक है, इसमें हमने वालदैन के हुकूक भी पढ़ लिया, औलाद के हुकूक भी पढ़ लिए। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे मियाँ बीवी के बाहमी हुकूक। ठीक है, आपको कल मैं पढ़ा रही थी वालदैन के हुकूक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, अब देखें औलाद के हुकूक मैं आपको बता रही हूँ, आपने सुने। पेज नंबर है 35। ठीक है, तो अब इसका मैं आपको बता रही हूँ, फिर हम ये मियाँ बीवी के बाहमी हकूक पढ़ेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से पहले, ठीक है, तारीख पर नज़र डालो तो मालूम होगा कि एक ज़माने में इंसान की संग दिली इस दर्जे को पहुँच गई थी कि वो अपनी औलाद को कत्ल कर डालता। ठीक है, ये देखें आप इस्लाम से कबल देख लें, क्या करते थे, अपनी औलाद को कत्ल कर देते थे। ठीक है, उनके दिल में कोई रहम नहीं होता था, कोई प्यार मोहब्बत नहीं होती थी अपनी औलाद के लिए उनके दिल में। ठीक है, उन्हें ये भी नहीं होता था कि ये अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है। ठीक है, फिर उसके बाद आप देख लें इस्लाम से कबल ये अरब के किस तरह करते थे, ये अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे। ठीक है, इसकी मैंने आपको क्लास पहले भी ये बताया, इसकी वो दो वजह थी। ठीक है, एक में तो ये कहते थे कि यानी ये इससे हमारा खाना पीना कम होता है, ठीक है, इन्हें हमें खिलाना पड़ता है, और दूसरी बात ये बेटियों को वो इसलिए कत्ल कर देते थे, और दूसरा ये कि इन्हें ब्याहना पड़ेगा यानी इनकी शादी करनी पड़ेगी, और लड़कों को ये कहते थे कि लड़के तो चले खुद ये कमा लेंगे लेकिन बेटियों को हमें खुद खिलाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बारे में फिर कुरान पाक में भी सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 31 में भी इनके बारे में कहा गया है। ठीक है, जो मुफलिसी के डर से अपने औलाद को कत्ल करते हैं। ठीक है, देखिए इस्लाम ने इंसान के दिल में सोए हुए जज्बात रहम उल्फत को जगाया, तो दुनिया से कत्ले औलाद की संग डराना रस्म मिटी और औलाद को अपने वालदैन से मोहब्बत और शफकत की नेमत एक बार फिर मिली। देखिए कुरान हकीम ने माशरे की दीगर बुराइयों के साथ कत्ले औलाद से भी अल्फाज से मना फरमाया। अब इसे सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 31 का तर्जमा देखें, और ना मार डालो अपनी औलाद को मुफलसी के खौफ से। ठीक है, हम रोज़ी देते हैं इनको भी और तुमको भी, बेशक इनको मारना बहुत बड़ी खता है यानी गलती है। ठीक है, यानी आप इन्हें तंग दस्ती के डर से कत्ल ना करें, रिस्क हम आपको भी देते हैं इन्हें भी देते हैं। ठीक है, देखें हर अल्लाह ताला ने हर एक का रिस्क का बंदोबस्त किया है। ठीक है ना, उसे अल्लाह ने देना है, हर इंसान के जितना किस्मत में लिखा है ना वो उतना उसने लेके ही मरता है फिर। ठीक है, अब देखें जब जब एक इंसान की डेथ हो जाती है, उसके जाहिर बात है घर वाले रोते हैं। ठीक है, तो फिर फरिश्ता उनके घर से निकलते वक्त कहता है, ठीक है, कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरे इसमें कोई कसूर नहीं है, इसका दाना पानी ही ख़त्म हो गया था। ठीक है, इससे साफ जाहिर हो क्या होता है, ठीक है, कि इंसान अल्लाह ताला ने हर इंसान को उसका दिया है। ठीक है, उसके हिस्से का रिस्क उसके किस्मत में लिख दिया है। ठीक है, एक सहाबी ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि या रसूलल्लाह सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया शिर्क। उन्होंने दरियाफ़्त किया कि इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वालदैन की नाफरमानी। ठीक है, फिर अर्ज़ किया इसके बाद तो फिर इरशाद हुआ तुम अपनी औलाद को इस खौफ से मार डालोगे वो तुम्हारे खाने में हिस्सा बटाएगी। अब देखिए इस्लाम तलीमात इस्लामी के तहत वालदैन और औलाद के मौत हकूक़ आयद होते हैं। ठीक है, मसलन ज़िंदगी का हक है, बुनियादी जरूरत की फ्राहमी यानी खाने पीने की, सारे रहायश और इलाज का हक, हसबे मकदार यानी जितनी उनकी हसबे है हसबे तौफीक उनकी तलीम तरबियत का भी हक अदा करें। ठीक है, अगर वालदैन ये जुमला हकूक खूबी अदा करते रहें तो ना सिर्फ ये कि इन्हें अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल होती है बल्कि इनकी औलाद इनके बुढ़ापे का भी सहारा बनती है। ठीक है, इसके इसके बरक्स देख लें। ठीक है ना, इसके बरक्स जो लोग औलाद के हकूक की अदायगी पर अपने आराम और साइश को मुकदम रखते हैं, इनकी औलाद इनकी आखिरी उम्र में इन्हें बेसहारा छोड़ देती है। ठीक है ना, देखें एक आप देख लें, एक माँ बाप है, ठीक है, उन्होंने अपनी अपने बच्चे पे कोई ध्यान ना दिया। ठीक है, वो किस तरह पल भर रहा है, क्या चीज़ उसे चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है, उस पर कोई फोकस नहीं कर रहे, अपने बच्चे पे अटेंशन ही नहीं दे रहे, त्वचा नहीं दे रहे, तो वो क्या होगा, वो जब बच्चा बड़ा होगा, ठीक है, माँ बाप को नहीं पता कि भाई बच्चे को क्या चीज़ चाहिए नहीं चाहिए, ये बड़ा हो रहा है अब इसे किस चीज़ की ज़रूरत है, हम इसे इसकी किस तरह नशोनुमा करें, इसकी परवरिश करें। ठीक है, वो किसी चीज़ पे माँ बाप नहीं बच्चे पे ध्यान दे रहे, तो एंड क्या होगा,
वो जब बच्चा बड़ा होगा तो सारी बात है उसके माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे, तो वो क्या करेगा, अपने माँ बाप को बेसहारा छोड़ देंगे, ठीक है, छोड़ देता है। जाहिर बात है ना, माँ बाप ने उसे अम्मी अबू वाला प्यार दिया, ठीक है, तो फिर वो बच्चे को भी इतनी कदर नहीं होगी कि ये मेरे माँ बाप हैं या क्या हैं, ठीक है। अब देखिए, वालदैन का फ़र्ज़ है कि जहाँ वो अपनी औलाद को रोज़ी कमाने के काबिल बनाने की तदबीर करते हैं, वहाँ इनमें फिक्र आखरत भी पैदा करें और अमले सालेह की तरबियत भी करें, ठीक है ना। कि मतलब वो बच्चों को इतना तो गाइड करते हैं कि आपने बड़े होकर ये शोबे में जाना है, इस तरह आपने, आपको ये फील्ड होनी चाहिए, तो इसमें ज़्यादा बेनिफिट है, ये वो कहते हैं कि बाप बनाता है, ठीक है ना, वालदैन इस काबिल बनाते हैं बच्चों को, जैसे माइंड बना देते हैं, आप इसमें जाएंगे डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर जो भी कुछ है, ठीक है। वहाँ ये अब ये वालदैन का फ़र्ज़ है कि वो क्या करें, वो बच्चे में ये भी कहे कि दुनिया ही का हर चीज़ नहीं है, ठीक है, फिक्रे उसके में आखरत की भी सोच उसमें पैदा करें, ठीक है, और उसे कहें कि उसे ये भी करें कि वो नेक अमल करे, ठीक है। अल्लाह ताला ने वालदैन की जिम्मेदारी को बड़े बलीग अंदाज में बयान फरमाया है। इसका तर्जमा देखिए, सूरह रहीम की आयत नंबर 6 है, कुरान पाक की सूरह रहीम की आयत नंबर 6 है, ऐ ईमान वालों, बचाओ अपनी जान को और अपने घर वालों को आग से। बिलाशुबा अगर वालदैन अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम के मुताबिक अपनी औलाद के हकूक़ बतरीक अहसन अदा करें, तो इसे नेकी की राह पर लगाएं, तो ना सिर्फ ये कि वो दुनिया में इनकी राहत का सामान बनेगी, बल्कि आखिर में भी इनकी बख्शिश का जरिया बनेगी, ठीक है ना। देखें, अगर हम बच्चों को, ठीक है ना, अपने बच्चों को पूरे इस्लाम पे ले आए ना, तो क्लास पूरे हम भी इस्लाम पे चलें, तो माशरे में कभी इंतशार ना हो, ठीक है, हमारा माशरे की मिसाली माशरा बन जाए, ठीक है। हम क्यों पीछे से पीछे हो रहे हैं, हम क्या, हम इस्लाम से दरअसल पीछे हो रहे हैं, ठीक है, हमें इतनी टेंशनें क्यों हैं, ठीक है, हम अपने कुरान को ही नहीं पढ़ रहे, हमारा दीन जो हमें कहता है हम उसे फॉलो ही नहीं कर रहे, ठीक है। अब देखें, अगर माँ बाप इस्लाम पे चलेंगे, ठीक है ना, हमारे मजहब को वो समझते हैं, दीन इस्लाम को, ठीक है, वो उस पर चलेंगे, तो जाहिर बात है वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लम के अहकाम को भी क्या करेंगे, जो उन्होंने हुक्म दिया है वो खुद पे भी उस पे अमल करेंगे, और जाहिर बात है अगर वो माँ बाप उस चीज़ पे अमल कर रहे हों तो जाहिर बात है बच्चा खुद ब खुद सीखेगा, ठीक है। इसलिए फिर जब बच्चा पूरे इस्लाम पे आ जाता है ना, ठीक है, उसे अपने माँ बाप की सबसे पहले कदर आती है कि मेरे माँ का मेरे बाप का क्या रुतबा है, ठीक है, ये हमारे दीन है, हमें सिखाया है कि हमारी माँ बाप की इज्जत एहतराम क्या है और हमें किस तरह करना चाहिए, ठीक है। इसी तरह जब वो बच्चे की अच्छी परवरिश होगी, ठीक है, तो वो क्या होगा, दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी, ठीक है। अब देखें, मियाँ बीवी के हकूक, अब आ जाएँ आप यहाँ पे, पेज नंबर 36 है, अब इसे देखते हैं। देखें, मुआशरे की बुनियादी इकाई घर है, ठीक है, देखें घर है, और घर के सुकून और खुशहाली का इंसार किस पे होता है, सारी बातें मियाँ बीवी के खुशगवार ताल्लुकात पर है, ठीक है। अगर इसकी उम्दगी महज दो अफराद ही क्यों नहीं, बल्कि दो खानदानों की शादमानियों का सबब बनती है, ठीक है। देखें, अब अगर मुआशरे की बुनियादी इकाई क्या है, घर ही है, ठीक है ना। अब घर में अच्छा खुशगवार माहौल है, ठीक है, मियाँ बीवी के अच्छे ताल्लुकात हैं, तो वो क्या होंगे, वो सिर्फ उन्हीं तक उनकी खुशियाँ नहीं होंगी, बल्कि दो खानदानों के वो खुशियों का सबब बनती हैं, ठीक है। इनके ताल्लुकात में अगर बिगाड़ आ जाता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो बहुत से रिश्तों को कमज़ोर कर देती है, ठीक है। अब अल्लाह ताला ने जौजैन के हकूक़ का तायुन फरमाते हुए एक मुकाम पर इरशाद फरमाया, और औरतों को भी, ये कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत नंबर 228 है, उसका तर्जमा देखें, और औरतों का भी हक है, जैसे कि मर्दों का इन पर हक है, दस्तूर के मुआफ़िक, और मर्दों की औरतों पर फजीलत है, ठीक है ना। इस्लाम ने मर्द को फजीलत दी है औरत पर, ठीक है, लेकिन ये दर्जा महज घर का इंतज़ाम एक ज़्यादा बाहिम्मत हौसलामंद और कुवी शख्सियत के सुपुर्द करने के लिए है, ठीक है। जाहिर बात है, क्या है, मर्द औरत से ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, ठीक है, औरतों पर जुल्म रखने के लिए नहीं, ठीक है। इस्लाम ही वो वाहिद दीन है जिसने खवातीन का शर्फ बहाल किया, मर्दों को इन पर हुकूमत का इख्तियार देने के बजाय इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी सुपुर्द की है, और तलकीन की कि बीवियों के साथ अच्छा सलूक किया जाए, ठीक है, यानी ये नहीं कि वो उन पर हुक्म जगाएं अपना, उन्हें कुछ समझे ही ना, ठीक है।
बल्कि ये उस पे इनकी ये नहीं कहा कि आप इन पे रोब झाड़ें, ठीक है, इन पे ना हुकूमत करें, नहीं, बल्कि मर्द को औरत की हिफाजत की जिम्मेदारी उस पे आयद की गई है, ठीक है, उस पे सुपुर्द की गई है। और ये साथ ही ये नसीहत की गई है, तलकीन की है कि वो बीवियों के साथ अच्छा सलूक करें, ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवी के साथ हुस्न सलूक को खैर ख्वाही और अच्छाई का मेयार बताया है। अब देखिए, तुम में से बेहतर शख्स वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा। एक बार एक सहाबी ने नबी रज़ी अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि या रसूलल्लाह, बीवी का अपने शौहर पर क्या हक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो खुद खाए इसे खिलाए, जैसा खुद पहने वैसे इसे पहनाए, ना इसके मुंह पर थप्पड़ मारे, ना इसे बुरा भला कहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बीवियों के हकूक का इतना ख्याल था कि खुतबा हिज्जतुल वदा में इनसे हुस्ने सलूक की तलकीन फरमाई, ठीक है। यानी जब सहाबी ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये क्वेश्चन किया, ठीक है, कि बीवी का अपने शौहर पर क्या हक है, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जैसा खुद खाता है वैसा बीवी को भी खिलाए, ठीक है, जैसा वो खुद पहना है वैसे इसे भी पहनाए, और इसके साथ बुरा सलूक ना करे, ना इसे डांटे, ना इसे डांटे, ना इसके साथ बुरा सलूक करे, और ना ही इसे मारपीट करे, ठीक है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बीवियों का इतना हुकूक था कि उन्होंने खुतबा हिज्जतुल विदा में भी इनसे अच्छे सलूक की तलकीन फरमाई, ठीक है। अब देखें, दूसरी जनब अल्लाह ताला ने नेक बीवियों की खूबियां बयान करते हुए इरशाद फरमाया, ये कुरान पाक की सूरह निसा की आयत नंबर 34 है, इसका तर्जमा देखें। फिर जो औरतें नेक हैं तो अतात गुजार हैं, निगेबानी करती हैं पीठ पीछे, ठीक है, यानी वो अपने खावंद की इज्जत की हिफाजत करती हैं, ठीक है, अपनी वो इज्जत की हिफाजत करती हैं, चाहे उनके खामंद हों या ना हो उनके पास, ठीक है। अब देखिए, जहाँ मर्द को मुंतज़िम आला की हैसियत से बीवी बच्चों की कफालत और हिफाजत की जिम्मेदारी सौंपी गई, वहाँ औरतों को भी पाबंद किया गया, ठीक है। अब वो देखें कि औरतों को किस चीज़ किस तरह किस चीज़ पे पाबंद किया गया कि वो मर्दों की वफादार और अतात गुजार बन कर रहे हैं। एक मुसलमान बीवी के लिए शौहर की जो हैसियत होती है, इसका अंदाज़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस इरशादे गिरामी से होता है, ठीक है, कि अगर मैं अल्लाह के अलावा किसी और को सजदे का हुक्म देता तो बीवी से कहते कि वो अपने शौहर को सजदा करे, ठीक है। और देखिए, साथ ही शौहर को नसीहत भी की गई कि अपने अख्तियार का नजायज़ फ़ायदा उठाते हुए अपनी बीवी के सॉरी अपनी यानी जो अल्लाह ताला ने इसे इख्तियार दिए हैं, ठीक है, हमारे दीन ने जो मर्द को खावंद को इख्तियार दिए हैं, वो इसका नजायज़ फ़ायदा ना उठाए, ठीक है, बीवी पर सख्ती ना करे, बल्कि ठीक है, अगर बीवी में कुछ खामियां हैं, ठीक है, तो वो इसे इग्नोर करे, दरगुजर करे, ठीक है, इसकी खूबियों की कदर करे, ठीक है। इस बारे में इरशाद बारी ताला है, ये कुरान पाक की सूरह निसा की आयत नंबर 19 है, और गुजरान करो औरतों के साथ अच्छी तरह, फिर अगर वो तुमको ना भावें, यानी चाहे वो तुम्हें अच्छी ना लगे, शायद तुमको पसंद आवे एक चीज़ और अल्लाह ने रखी हो इनमें बहुत सी खूबियाँ, ठीक है, यानी आप हो में भी वो, ठीक है, वो आपको बज़ाहिर अच्छी नहीं लग रही, ठीक है, हो सकता है अल्लाह ताला ने आपके लिए उसमें पता नहीं कितनी सी बरकत रख दी हो, ठीक है। अब देखें रिश्तेदारों के हकूक, वालदैन और औलाद और शरीक हयात यानी बीवी के हकूक के बाद इस्लाम रिश्तेदारों के हकूक पर जोर देता है, ठीक है। देखिए, हमने हकूक अलबाद में सबसे पहले वालदैन के हकूक पढ़े, फिर हमने औलाद के हकूक पढ़े, औलाद के हकूक के बाद हमने मियाँ बीवी के बाहमी हकूक पढ़े, ठीक है, कि यानी इनके एक दूसरे पे क्या हकूक हक है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रिश्तेदारों के हकूक, ठीक है। देखिए, वालदैन औलाद और शरीक हयात के हकूक के बाद इस्लाम रिश्तेदारों के हकूक पर जोर देता है, क्योंकि माशरती ज़िंदगी में इंसान का वास्ता अहले खाना के पास सबसे ज़्यादा इन्हीं से पड़ता है, ठीक है। अगर ख़ानदान के फ़र्द एक दूसरे के हकूक अच्छे तरीके से अदा करते रहें तो पूरे ख़ानदान में मोहब्बत और अपनाइत की फ़िज़ा कायम होगी, अगर मामला इसके बरक्स हो तो नफ़रत और दूरी पैदा हो जाएगी और आए दिन झगड़ों से ख़ानदान का सुकून बर्बाद होकर रह जाएगा, ठीक है। कुरान और हदीस दोनों में सुलह रहमी यानी रिश्तेदारों से उसने सलूक की बार बार तलकीन की है। कुरान मजीद में इरशाद है, ये कुरान पाक की सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 26 के अंत का तर्जमा देखा, और रिश्तेदारों को उनका हक दो, फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रिश्तेदारों से ताल्लुक़ तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा, ठीक है। देखिए, मुसलमानों को हुक्म दिया गया कि अपने ज़रूरतमंद रिश्तेदारों की ज़रूरत का ख्याल रखें ताकि इन्हें गैरों के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, ठीक है। आप देखें, एक ख़ानदान में गरीब भी होते हैं, अमीर भी होते हैं, ठीक है,
तो अब उन्हें जो है अच्छे हैं, जो अमीर है, उन्हें क्या करना चाहिए, वो गरीब अपने गरीब रिश्तेदारों का ख्याल रखें, ठीक है, और उन्हें इतना दें कि वो उन्हें अपने खानदान से ही फुल सपोर्ट मिल जाए, उन्हें बाहर जाने की या किसी गैर के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ही ना पड़े। तलकीन की कि जो कुछ अल्लाह की राह में खर्च करें, इसमें तरजीह अपने रिश्तेदारों को दें, ठीक है, यानी जो चीज़ आप अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हैं, आप सबसे पहले सबसे ज़्यादा पहले उस चीज़ पे किसका हक है, रिश्तेदारों का, ठीक है, फिर इनके साथ जो उसने जो सलूक करें इस पर इन्हें ताना देकर अपने अजर व सवाब बर्बाद ना करें, ठीक है, यानी अगर आप इन्हें कोई चीज़ दे रहे हैं तो इस पे फ़ख्र महसूस ना करें और ना इन्हें ताना दें, ठीक है, यानी ताना देने से क्या होगा, आपके अजर व सवाब बर्बाद होगा, ठीक है, इन्हें एहसास तन्हाई और एहसास कमतरी का शिकार ना होने दें, इनकी खुशी और गम में शरीक हों, और रिश्तेदारों के जरिए अमदाद का एक अहम फ़ायदा यह है कि इस इंसान की इज्जत नफ्स मजरूह नहीं होती और काम निकल जाता है, जबकि गैरों से मदद तलब करने में अपनी ही नहीं ख़ानदान की इज्जत भी घटती है। अगर हम में से हर शख्स अल्लाह और रसूल के हिदायत के मुताबिक रिश्तेदारों के हकूक का ख्याल रखे तो माशरे में बहुत सी खराबियों से महफूज हो जाएगा, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम उसाज़ा के हकूक, ठीक है, हाँ जी, इसमें देख लें आप, इस्लाम ने जहाँ मुसलमानों पर उसूल इल्म को फ़र्ज़ करा दिया, वहाँ उस्ताद को भी मौजज़ तरीन मकाम अता फरमाया, ठीक है, इसकी वजाहत से इल्म का वक़ार, ताकि इसकी वजाहत से इल्म का वक़ार बढ़े और इल्म से इंसानियत का, ठीक है। अब देखें ये उस्ताद का ये एज़ाज़ क्या कम है कि इस पेशे की वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक खसूसी निस्बत हासिल है, ठीक है, जैसे देखें आप सल्लम का इरशाद है कि इसका तर्जमा देखें, बेशक मुझे मुअल्लम बनाकर ही भेजा गया, ठीक है, उस्ताद नई नस्ल की सही नशुमा करके इसके फिक्र व अमल की सलाह करता है, ठीक है, नई नस्ल इन्हीं के फ्राहम करदा सांचों में ढलती है, उस्ताद के अज़ाद व एहतराम के बारे में हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरे तीन बाप हैं, एक वो जो तुझे अदम से वजूद में लाया यानी हकीकी बाप, दूसरा वो जिसने तुझे अपनी बेटी दी यानी सुसर, तीसरा वो जिसने तुझे इल्म की दौलत से माला मार किया यानी उस्ताद, ठीक है। अब मुअल्लम किसे कहते हैं, उस्ताद को, ठीक है, मुअल्लम की हैसियत इल्म की बारिश किसी होती है और तलबा की हैसियत क्या कौन किस चीज़ की तरह होती है, ज़मीन की तरह, ठीक है, देखें जो ज़मीन बारिश को जज्ब करने की साहित रखती है वो बारिश के फैज़ से सरसब्ज़ और शादाब हो जाती है, ये हौसला और ज़र्फ़ भी वालदैन के अलावा उस्ताद का होता है, वो अपने शागिर्द को खुद आगे बढ़ता देख कर हसरत करने के बजाय खुश होता है, क्योंकि हकीकत में वो अपने तलबा की कामयाबियों को ही अपनी कामयाबी समझता है। मुसलमानों में उस्ताद की एहसानमंदी और एहतराम का अंदाज़ा कुछ इस रवाज से भी लगाया जा सकता है कि शगीद उस्ताद के नाम को अपने नाम का हिस्सा बना लेते हैं और इसी तरह लाए शगीदों के जरिए उस्ताद का नाम जिंदा रहता है, ठीक है, यानी कि देखें जो अपने हम सोसाइटी में देख रहे हैं, ठीक है, एक इंसान अपने से आगे किसी इंसान को देखे तो वो जेलसी फील करता है, ठीक है, लेकिन एक वाहिद माँ बाप का और उस्ताद वालदैन का और उस्ताद का ऐसा रिश्ता होता है कि ये अपने से देख के अपने बच्चों का अपने से आगे देख के ये खुश होते हैं, ठीक है। अब देखिए एक आप मिसाल लगा लें, ठीक है, एक दर्जी है, एक मतलब एक लड़के का अबू दर्जी है, ठीक है, कपड़े वो स्टिच करते हैं, बस उसकी छोटी सी दुकान है, वो काम कर रहा है, ठीक है, अब इसी फील्ड में यानी अब उसका बेटा है, ठीक है, या बेटी है, वो एक बहुत बड़े पैमाने पे बुटीक खोलती है, ठीक है, बुटीक तो देखें उसमें हर चीज़ हो रही है, डिज़ाइनिंग हो रही है उसमें, प्रिंटिंग हो रही है, ठीक है, फिर उसमें हर चीज़ हो जाती है, ठीक है, तो देखें अब वो बाप ये नहीं फील करेगा कि मेरा बच्चा मुझसे ज़्यादा आगे बढ़ गया, बल्कि वो इस पे प्राउड फील करेगा, वो फ़ख्र महसूस करेगा, अपने बच्चे को अपने से आगे देखे वो उसकी कामयाबी नहीं बल्कि अपनी कामयाबी समझता है, ठीक है, इसी तरह उस्ताद हैं। अब एक टीचर है, ठीक है, उसे बच्चा पढ़ के जाता है, वो आगे डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, लेक्चरार बन जाता है, ठीक है, तो इस पे ये उस्ताद ये नहीं कहेगा कि वो मुझसे पढ़ के गया तो देखें वो मुझसे इतना बड़ा बन गया, मैं एक उस्ताद हूँ, ठीक है, मतलब स्कूल टीचर हूँ, और वो देखें वो लेक्चरार बन गया है, डॉक्टर है या इंजीनियर है, ठीक है, बल्कि वो उस्ताद फ़ख्र से कहेगा कि फ़लाँ मेरा स्टूडेंट है, ठीक है। अब देखें हमसायों के हकूक, देखें इंसान की रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपने हमसायों से वास्ता पड़ता है, ठीक है, चनाचे इस्लाम में पड़ोसियों के हकूक पर बड़ा हकूक पर बड़ा जोर दिया गया है, तीन किस्म के पड़ोसियों से हुस्न सलूक की
खुसूसी तलकीन फरमाई गई है, ठीक है, इनसे स्पेशल है कि इनसे आप खास होकर उसने सलूक करें, ठीक है। अब वो तीन किस्म के, वो कौन से पड़ोसी हम पढ़ेंगे अव्वल, यानी पहला वो पड़ोसी जो रिश्तेदार भी हो, ठीक है। अब देखें हमारे में होता है सोसाइटी में कि अपने घर के साथ मामू का घर होता है, चाचू का घर होता है, दादी माँ का घर होता है, ठीक है। इससे हमारे दो रिश्ते हो गए, ठीक है, यानी वो हमारे रिश्तेदार भी हैं और हमारे हमसाए भी, ठीक है। अब नंबर दो, गैर रिश्तेदार पड़ोसी, ख्वाह वो गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो, ठीक है, यानी चाहे वो हमारे रिश्तेदार रिलेटिव्स हैं या नहीं हैं, चाहे वो मुसलमान हैं या नहीं हैं, ठीक है। एक वो दूसरी किस्म वो हो गई, ठीक है। नंबर तीन पे देख लें, जिनसे आर्जी ताल्लुकात कायम हो जाएं, मसलन हम पेशा, हम जमात या शरीके सफ़र अफराद वगैरह, ठीक है। ये तीसरी किस्म ये है। अब देखें हमसायों के हकूक़ के बारे में मौतद हदीस रवायत की गई, इनमें से चंद है, वो शख्स मोमिन नहीं जो अपने हमसाय के हकूक़ से बेनियाज होकर शकमसेर हो, ठीक है, यानी उसे पता ही नहीं है, खुद वो उसने पेट भर के खा लिया है, उसे अपने हमसाय की फिक्र ही नहीं है कि वो भूखा सोया है या उसने भी कुछ खाया पिया है या नहीं। अब बे देखें, तुम में से अफसर शख्स वो है जो अपने हमसाय के हक में बेहतर है। अब जीन देखें, अगर पड़ोसी की मदद की ज़रूरत पड़े तो इसकी मदद करो, कर्ज मांगे तो दो, मोहताज होते तो इसकी माली इमदाद करो, बीमार पड़ जाए तो इलाज कराओ, मर जाए तो जनाजे के साथ कब्रिस्तान जाओ और इसके बच्चों की देखभाल करो, अगर इसे कोई अजाज़ हासिल हो तो इसे मुबारकबाद दो, ठीक है, अगर मुसीबत में मुबला हो जाए तो इसकी हमदर्दी करो, बगैर इजाज़त अपनी दीवार इतनी ऊंची ना करो, ठीक है, कि इसके लिए रोशनी हो और हवा रुक जाए, ठीक है। कोई मेवा या सवाल वगैरह लाओ तो इसे भी भेजो। हज़रत मुजाहिद रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पड़ोसियों के हुकूक के बारे में इतनी शिद्दत से ताकीद फरमाते थे कि हम सोचने लगते थे कि शायद मीरास यानी विरासत में भी पड़ोसियों का हिस्सा रख दिया जाए। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल में एक औरत का जिक्र आया, तो वो बड़ी इबादत गुजार परहेजगार है, ठीक है, दिन में रोज़े रखती है और रात को तहज्जुद अदा करती है, तो लेकिन पड़ोसियों को तंग करती है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो दोज़खी है। और एक दूसरी औरत के बारे में अर्ज़ किया गया कि वो सिर्फ फ़राइज़ यानी इबादत करती है लेकिन हमसायों का हकूक़ का ख्याल रखती है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो जन्नती है। अब देखें, फिर है, अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे गैर मुस्लिमों के हकूक, यानी जो गैर मुस्लिम होते हैं, ठीक है, नॉन मुस्लिम, उनके भी हकूक हैं हमारे, उनके भी हकूक हैं हमारे दीन में, हमारे इस्लाम में, हमारे मज़हब में, ठीक है। देखें, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इस बात की सराहत फरमा दी कि काफुर और मुशरिक हरगिज़ हरगिज़ मुसलमानों के दस्त दोस्त नहीं हो सकते, ठीक है ना, ज़ाहिर बात है, वो दिल से कभी भी सिंसियर नहीं होते मुसलमानों के साथ, लेकिन इसके बावजूद भी गैर मुसलमानों के साथ हुस्न सलूक से पेश आने की हिदायत की है। ये सिर्फ इस्लाम की खूबी है, ठीक है, कि वो गैर मुसलमानों को मुसलमानों के जैसे शहरी हकूक अदा करते हैं, मुसलमानों को तकलीन करता है, कि इनसे शफकत अमेज़ बर्ताव करें। इरशादे बारी ताला है, ये कुरान पाक की सूरह मायदा की आयत नंबर 8 है, ठीक है, इसका तर्जमा देखें, और किसी कौम की दुश्मनी के बाद इंसाफ को हरगिज़ ना छोड़ो, अदल करो, यही बात ज़्यादा नज़दीक है तकवा से। इस्लाम चाहता है कि इसके पैरोकार गैर मुस्लिमों से वैसा ही बर्ताव यानी बिहेव यानी सलूक करें जैसा एक डॉक्टर मरीज से करता है। इसी हुस्न सलूक से मुसलमानों ने हमेशा गैर मुस्लिम अकवाम के दिल जीत लिए, ठीक है। क्लास अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर माशरती ज़िम्मेदारियाँ पढ़ें।